हाय गाइस, वेलकम टू बैक प्रियंका न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज बात करेंगे गोदावरी के पौधे में कलियां आ रही हैं कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा गोदावरी का पौधा है और इसमें अब बन रहे हैं ढेरों सारे कलियां। तो इसमें आप एक ही पौधे में ढेर सारे कलियां कैसे ला सकते हैं, इसका फुल अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए कितना सारा इसमें कलियां आया हुआ है। और ये देखिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप एक छोटे से पोट में इसे लगाइएगा और इतने सारे आपको कलियां देखने को मिल जाता है। और हम आपको दिखाते हैं कि इसे हम किस चीज में लगाएं। ये देखिए, एक छोटा सा जो पानी पीने वाला होता है बोतल, उसी में हम इसको ग्रो किए। और ये देखिए, नीचे भी इसकी कलियां बन रही है और यहाँ पे भी कलियां लगा हुआ है और इसमें भी ढेर सारे आपको कलियां देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप गुलदावरी के पौधे में बहुत सारे कलियां पा सकते हैं। छोटे से पौधे में ढेर सारे आपको कलियां देखने को मिल सकता है। और ये देखिए, अभी इसमें कलियां बनने जा रहा है और इसे भी हम लगाएं पानी पीने वाला जग में। और ये देखिए कितने सारे इसमें भी कलियां बनेगा। तो आप जब भी गुलदावरी का पौधा लगाते हैं तो इसको यहाँ से आप पिंचिंग कर दीजिएगा तो यहाँ से नए रूट निकलते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपके जो पौधे हैं गोदावरी के, उसमें ढेरों सारे कलियां बनते हैं। और ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से इसमें हैं और ढेरों सारे इसमें कलियां बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ढेरों सारे कलियां पा सकते हैं गोदावरी के पौधे में। और ये देखिए, इसमें आपको एक एक करके ढेर सारे कलियां देखने को मिल जाता है गोदावरी के पौधे में। ये है गुलदावरी का पौधा और इसे हम ग्रो जो किए हैं वो हम कटिंग से ग्रो किए हैं। और इसका मिट्टी आपको दिखा देते हैं कि इसका मिट्टी कैसा है। तो ये देखिए, ना ज़्यादा सूखा इसका मिट्टी है ना ज़्यादा गीला है, बस इसी तरीके से आपको इसका मिट्टी रखना है। और इसे आप जब ये गर्मी का सीजन आ जाता है और इस समय इसमें जब फ्लावरिंग नहीं होता है तो आप इसे पिंचिंग कर दीजिए, पूरा एकदम कट कर दीजिएगा तो इसमें से नए नए ब्रांच निकलेंगे। ये देखिए, ये सब नए नए ब्रांच निकले हुए हैं। तो इसमें ढेर सारे आपको फूल देखने को मिल जाता है गुलदावरी के पौधे में। और इसे आप कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और इसमें ढेरों सारे आपको कलियां और फूल देखने को मिल जाता है। विंटर सीजन का सबसे अट्रैक्टिव ये फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप इसे अपने छत पे और अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिएगा। और इस तरीके से आप छोटे छोटे से पौधे में लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है मैरीगोल्ड भी बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। और ये देखिए, ये भी है हमारा गोदावरी का पौधा जिसको हम इसमें भी पानी पीने वाले में लगा रखे हैं। और इसमें अभी कलियां बनना बाकी है, धीरे धीरे इसमें भी कलियां आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ढेरों सारे इसी तरह से गुलदावरी के पौधे में आपको कलियां देखने को मिल जाता है। और ये देखिए, ये हमारा जो है पीला वाला अड़हुल है। और हम आपको सूरजमुखी का थोड़ा सा अपडेट दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसमें फूल आया हुआ है सूरजमुखी में, कितना प्यारा लग रहा है देखने में ना। तो ये देखिए, इसी तरीके से आप छोटे छोटे अपने छत पे छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। और इसमें देखिए कितना ढेरों सारे कलियां बने हुए हैं। ये भी जो है अब फूलने वाला है, ये और भी बड़ा अभी फूलेगा। और ये है हमारा न्यू अपडेट आपको। तो ये देखिए, हमने छत पे क्या क्या लगा रखा है वो भी आपको दिखा दे। और हमारा पालक और धनिया देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह से आप न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मेरे ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और ये है हमारा अपराजिता का पौधा जिसमें ये प्यारे से फूल खिला हुआ है, आप देख सकते हैं।